कि अब ये दोनों बने गठबंधन, यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवा हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज़्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितेशी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है, तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों के भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में ना आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का, यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है, और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है।